स्वतंत्रता क्या है, राष्ट्र प्रेम किसे कहते हैं, त्याग और बलिदान की पराकाष्ठा क्या है और स्त्री का आदर कैसे किया जाता है, इन प्रश्नों के उत्तर जानने हो तो जापान के समुराई डिस्ट्रिक्ट्स और स्कॉटलैंड के वॉर म्यूजियम्स जाने की जरूरत नहीं है, बस राजस्थान चले जाइए और माथे से लगा लीजिए उस दिव्य धरा की पुण्य धूल को जिसने बप्पा रावल, पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे सिंह रत्न जन्मे हैं। ये वही दिव्य भूमि है जिस पर हमारी माता रानी पद्मिनी ने आततायी खिलजी से अपने राष्ट्र और अपने सतीत्व की रक्षा के लिए 16,000 छत्राणियों के साथ जौहर कर लिया था। भारतवर्ष ने अपने 10,000 सालों के रिकॉर्डेड इतिहास में कभी किसी देश पर, किसी सभ्यता पर आक्रमण नहीं किया, कभी किसी को सताया नहीं, ना कभी किसी को दबाया। जो हमसे शांति के साथ मिला उसे हमने श्री कृष्ण बनकर बांसुरी सुनाई, जो भटका उसे गीता जैसा ज्ञानामृत प्रदान किया, लेकिन जिसने हमें आंखें दिखाई, हमारी अस्मिता पर वार किया, हमारी राष्ट्र रक्षा में बाधक बना, उसके लिए हमने सुदर्शन चक्रधारी बनने में भी देर नहीं की। हम भोले भी हैं और रुद्र भी, हम जड़ी बूटी लाने वाले पवन पुत्र भी हैं और जड़ से मिटा देने वाले अमित विक्रम भी। अतिथि देवो भव, ये भारतवर्ष की हजारों साल पुरानी परंपरा है जिसे हमारे राजस्थान में पधारो मारे देश के रूप में जाना जाता है। लेकिन इस दिग्विजयी दर्शन को स्वीकार करने के लिए आकाश जैसा मन चाहिए और उसमें समुद्र जैसी गहराई। क्या कोई आतताई, कोई ग्लोरिफाइड डकैत इस दर्शन को समझ पाएगा, इसे जी पाएगा? नहीं, क्योंकि डकैतों के सिर्फ दो उद्देश्य होते हैं, लूटपाट और धोखा। उस दिन राणा रतन सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने युद्ध टालने के लिए, लाखों लोगों की प्राण रक्षा के लिए घर आए खिलजी का आदर सत्कार किया। उन्हें कहां पता था कि वो जिसे दूध पिला रहे हैं वो कोई महादेव का नाग नहीं बल्कि दो मुहा सांप है जो सिर्फ डसना और धोखा देना जानता है। जिसने अपने चाचा जलालुद्दीन को नहीं बख्शा वो लुटेरा खिलजी राणा को कैसे बख्श देता? वही हुआ जिसका डर था। जब राणा खिलजी को दुर्ग द्वार पर छोड़ने गए तो उसने धोखा देकर उन्हें बंदी बना लिया और ले गया दिल्ली। अगले दिन चित्तौड़ के लिए दिल्ली से फरमान आ गया। हुकुम साफ था, रानी पद्मिनी को मेरे हवाले कर दो, हम रतन सिंह की जान बख्श देंगे। यहीं से आरंभ होती है पंडित नरेंद्र मिश्र की कालजयी रचना गोरा बादल। दोहराता हूं सुनो, रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे, शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। पद्मिनी मुझे नहीं मिलेगी तो रतन सिंह का कटा हुआ सर तुम्हें मिलेगा, खिलजी का संदेश आ गया। चित्तौड़गढ़ में सबके सामने एक ही प्रश्न था कि राणा की रक्षा कैसे की जाए। लेकिन राजपूती योद्धाओं के लिए यह प्रश्न कोई बहुत बड़ा नहीं था, इसका उत्तर हर एक के पास था, बलिदान। किसके लिए बलिदान? राजपूती आन बान शान के लिए बलिदान और राणा की जान के लिए बलिदान। लेकिन एक प्रश्न इसके बाद और भी था, इससे भी ज्यादा गंभीर, इस लड़ाई का नेतृत्व कौन करेगा? उत्तर इस प्रश्न का भी था लेकिन किसी और के पास नहीं, सिर्फ महारानी पद्मिनी के पास। खिलजी के विरुद्ध इस धर्म युद्ध का नेतृत्व करेंगे पूर्व सेनापति गोरा और उनके भतीजे बादल। पूर्व इसलिए क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कूटनीति के कारण रक्तपात टालने के लिए राणा रतन सिंह ने खिलजी को अनुमति दी थी कि वो एक बार रानी पद्मिनी को शीशे में देख सकता है। लेकिन सेनापति गोरा को रतन सिंह का यह निर्णय कतई स्वीकार नहीं था। उनका स्पष्ट कहना था, एक बार भी क्यों, क्यों झुके हम दिल्ली के आगे? महारानी पद्मिनी चित्तौड़ की अस्मिता हैं, कोई आतताई उन्हें देखे तो उसकी आंखें निकालकर रणचंडी को भेंट कर देंगे। आपके लिए प्राण देना भी स्वीकार है राणा, लेकिन आपका यह निर्णय हमें स्वीकार नहीं है, ये हमारी राजपूताना शान के विरुद्ध है।
राणा के सामने भी गहरा धर्म संकट था। हजारों मेवाड़ियों की प्राण रक्षा का दायित्व उनके कंधों पर था। जरा सा समझौता करके यदि एक विनाशकारी युद्ध टल जाए तो समझौता ही राजधर्म है, यही कहकर उन्होंने सेनापति गोरा का प्रस्ताव ठुकरा दिया। गोरा से ये सहन नहीं हुआ। जो राणा रतन सिंह के लिए राजधर्म था, गोरा के लिए वही राजपूती स्वाभिमान का तिरस्कार। उन्होंने व्यथित होकर केला छोड़ दिया और जंगलों में चले गए। आज खिलजी का पैगाम आया तो रानी पद्मिनी को गोरा बादल बहुत याद आए, लेकिन रानी जानती थी कि ये अप्रतिम योद्धा यूं ही किसी के संदेश पर वापस नहीं आएंगे, इसलिए रानी पद्मिनी स्वयं घोड़े पर सवार होकर अपनी अंगरक्षिकाओं के साथ गोरा और बादल को खोजने जंगलों में निकल पड़ी। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे, पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूँ, राजमुकुट की हठ कैसे पहचानूं। अपमानित सेनापति गोरा रानी पद्मिनी से कहते हैं, रानी मैं तो बहुत तुच्छ प्राणी हूँ, राजनीति कूटनीति का तो मुझे कोई ज्ञान है ही नहीं, राजमुकुटों की हठ हम सैनिकों को समझ नहीं आती, हम तो बस मर्यादा के लिए मरना और मर्यादा के लिए मारना जानते हैं। रानी पद्मिनी गोरा से निवेदन करती हैं, हे महावीर, ये समय क्रोध करने का नहीं है, अगर एक बार चित्तौड़ की आन बान और शान चली गई तो पछतावे के सिवा कुछ पास नहीं बचेगा, भरोसा है मुझे तुम पर, मेरा भरोसा मत टूटने दो। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का, दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, ये कहकर गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। ये क्या करती हो, गोरा पीछे हट बोला, और राजपूती गरिमा का फिर धधक उठा था शोला। चित्तौड़ के जिस मस्तक को खिलजी से लेकर अकबर तक नहीं झुका पाए, महारानी पद्मिनी ने महावीर गोरा के आगे उसे झुका दिया। महारानी का यह मस्तक किसी व्यक्ति के आगे नहीं झुका था, यह मस्तक सामर्थ्य के आगे झुका था, शौर्य के आगे झुका था, पराक्रम के आगे झुका था और त्याग के आगे झुका था। और फिर किन शब्दों में सेनापति गोरा महारानी पद्मिनी का गौरव गान करते हैं, सुनिए। महारानी हो तुम सिसौदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो, जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। गोरा की ये शपथ भारतीय वांग्मय में भीष्म पितामह के बाद दूसरी ऐसी शपथ है जो मृत्यु को सर्वोच्च स्तर पर जाकर चुनौती दे रही है। क्या अद्भुत सामर्थ्य है, क्या विहंगम दृश्य है। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो, महलों में देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर भी धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ, महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रभंजन भी न रोक पाएंगे। क्या विलक्षण शपथ है, ओज तेज शौर्य और सामर्थ्य का क्या अद्भुत मिलन है। महाप्रलय के घोर प्रभंजन भी न रोक पाएंगे, यानी महाप्रलय के समय जो विनाशकारी आंधी चलती है वो भी राणा को चित्तौड़ पहुंचने से नहीं रोक सकती। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ, सच गए 700 डोले, और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी को, पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखियां भी वो साथ लिए आती है। खिलजी को संदेशा भिजवा दिया गया।
और अब वो घड़ी आ गई थी जिसकी प्रतीक्षा हर राजपूत को रहती है, हर राष्ट्र भक्त को रहती है। राष्ट्र रक्षा के लिए बलिदान देने की घड़ी, राष्ट्र अस्मिता के लिए बलिदान होने की घड़ी। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था, चार उठाने वाले, पांचों ही शंकर के गण की तरह समर मत वाले। बजा कूच का शंख, सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से दसों दिशा लहराई। क्या रणनीति है, क्या युद्ध कौशल है। 700 डोलियों में 700 सैनिक और हर डोली को उठाने के लिए चार अन्य सैनिक, यानी एक डोली पर कुल 5 सैनिक हुए, कुल मिलाकर 3500 के आसपास सैनिक। जब गोरा और बादल के नेतृत्व में इन योद्धाओं ने दिल्ली के लिए प्रयाण किया तो हर हर महादेव के दिग्विजयी नाद से सारा आकाश झूम उठा, गुंजायमान हो उठा। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर कर देखा। कर अंतिम प्रणाम, चढ़े घोड़ों पर सुभट अभिमानी, देशभक्ति की निकल पड़े लिखने वो अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। गोरा और बादल को पता है आज वो राष्ट्र अस्मिता के जिस यज्ञ में दिव्य आहुति बनने जा रहे हैं उससे जीवित लौटना शायद संभव नहीं होगा, इसीलिए वो चित्तौड़गढ़ की गौरवशाली माटी को अपने मस्तक से लगा रहे हैं, निहार रहे हैं उस पुण्य धरा को जिसकी गोद में उनका बचपन बीता, जिसने आज उन्हें अपनी रक्षा के लिए आवाज दी है। जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला शहंशाह पद्मिनी मलिका बनने आई हैं, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई हैं। एक मगर फरियाद उसकी फकत पूरी करवा दो, राणा रत्न सिंह से उसको एक बार मिलवा दो। खिलजी अपनी जीत पर पागल हुआ जा रहा था, उसको मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। उसने रानी को रतन सिंह से मिलवाने का हुक्म दे दिया। सेनापति गोरा समझ गए यही समय है, सही समय है। उन्होंने अपने भतीजे बादल को बुलाया और उसे सारी रणनीति समझा दी। कहते हैं रानी पद्मिनी के डोले में एक लोहार को बिठाया गया था, उसका काम था कि जैसे ही राणा रतन सिंह से वो मिले तुरंत उनकी बेड़ियां काट दे। गोरा ने बादल को मातृभूमि पर अर्पण होने के लिए ललकारा, बोले बेटा वक्त आ गया अब कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। हमने पद्मावत फिल्म में देखा है कि रानी पद्मिनी स्वयं भी दिल्ली आती हैं, लेकिन महाकवि नरेंद्र मिश्र और उस जमाने के कई इतिहासकार ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि रानी की वेशभूषा में एक लोहार आया था, यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदी गृह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे धाएगा, यह बंधन काटेगा हम राणा को मुक्त करेंगे, घुड़सवार कुछ उधर आड़ में ही तैयार रहेंगे, जैसे ही राणा आए वो सब आंधी बन जाएं और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग पर वो सकुशल पहुंचाएं। गोरा अपने पुत्र स्वरूप बादल को आगे निर्देश देते हैं, राणा जाए जधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और एक यवन को भी उस पथ पांव न धरने देना, मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। और मां योद्धा बादल अपने काका गोरा से भी एक कदम आगे निकल गए, वो उत्तर देते हैं ऐसा ही होगा काका, रजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। बादल का उत्तर सुनकर बूढ़े सिंह महारथी गोरा के अंदर ममता जाग गई, दोनों योद्धा गले मिले। उन्हें पता था शायद दोनों अंतिम बार एक दूसरे को देख रहे हैं, अंतिम बार गले मिल रहे हैं, इसके बाद वो भारत माँ के इस पुण्य गोद में शायद सदा सदा के लिए सो जाएं। गोरा कहते हैं तो फिर आ बेटा बादल, सीने से तुझे लगा लूं, हो न सके शायद अब मिलन, अंतिम लाड़ लड़ा लूं।
ये कहकर बाहों में भरकर बादल को गले लगाया, धरती कांप गई, अंबर का अंतस मन भर आया। लेकिन महारथी गोरा को पता था कि शौर्य और ममता में कभी बनी नहीं। ममता सिर्फ जीवन प्रदान करती है, लेकिन शौर्य अमरत्व प्रदान करता है। और इसलिए कि बादल कमजोर ना हो जाए, वो दहाड़े सावधान कह पुनः पथ पर बढ़े गोरा सेनानी। पोंछ लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। गोरा की चातुरी चली, राणा के बंधन काटे, छांट छांट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। गोरा जा पहुंचे उस बंदी घर में जहां महाराजा राणा रतन सिंह कैद थे। लिपट गए गोरा से राणा, गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नयन भराए। लोहार ने राणा के बंधन काटे, उन्हें पश्चाताप हुआ कि अगर उस दिन गोरा की बात मान लेता तो शायद ये दिन न देखने पड़ते। मैंने जिसे पराया समझा, जिसको अपमानित किया, आज वही मुझे बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने आया है। लेकिन कोई भी विजय बिना रक्त चंदन से अभिषेक किए पूरी नहीं होती। चित्तौड़ को भी अपने रक्त से दिल्ली सींचनी पड़ी, क्योंकि खिलजी के सेनापति को शंका हो गई थी। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था, वो मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब उसने लिया समझ पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है, पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी दल रण का बजने लगा नगाड़ा। दृष्टि फिरी गोरा की, मानी राणा को समझाया, रण मत वाले को रोका जबरन चित्तौड़ पठाया। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा दुश्मन को, भाग न जाने देना, रत्न सिंह का शीश काट कर ही वीरों दम लेना। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों, बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का गर्जा नभ भेदी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी, बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने, तलवारें लगी खटकने। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिर सा अड़ा खड़ा था। कहा जफर से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रत्न सिंह तो दूर न, उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। ये कह के महाकाल बन गोरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश बही समर में रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, लेकिन मानो वह रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अग्रित पापों से, फूल खिला रहता असंख्य कांटों के संतापों से। वो मेवाड़ी वीर अकेला लाखों से लड़ता था, बढ़ा जिस तरफ शेर उधर ही विजय मंत्र पढ़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकरा कर टूटी खिलजी की तलवारें। महायुद्ध हो रहा है, एक तरफ खिलजी का गुमान और दूसरी तरफ राजपूताना आन बान शान और मान। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंघा पर अरि ने छिप कर वार किया था, कमर से नीचे वार कर दिया। वहीं गिरे वीरवर गोरा, जफर सामने आया, शीश उतार दिया, धोखा देकर मन में हर्षाया। जफर ने धोखे से गोरा का सर काट दिया। मगर वाहरे मेवाड़ी, गोरा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार के जैसे सर पर गिरा हथौड़ा। एक वार में ही शाही सेनापति चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। महाप्रतापी गोरा का सर कट गया तो सिर्फ उनके धड़ ने खिलजी के सेनापति जफर मोहम्मद के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये है हमारा शौर्य, ये है हमारा पराक्रम, ये है हमारा राष्ट्र प्रेम। जब बादल ने अपने काका का ये हाल देखा तो उनकी आंखों में रक्त उतर आया और वो बिजली बनकर खिलजी की सेना पर टूट पड़े। जो ही जफर कटा, शाही सेना का साहस लर्जा,
काका का धड़ देख बादल सिंह महारुद्र सा गर्जा, अरे कायरों नीच बांगड़ों छल से रण करते हो, किस बूते पर जवान मर्द बनने का दम भरते हो। ये कहकर बादल उस क्षण बिजली बनके टूटा था, मानो धरती पर अंबर से अग्निशिरा छूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियां दोहराएंगी बादल की रणरंग कहानी। अरिका भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची खड़ी थी। कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से, रंचक देगा न वह प्रलयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। उधर वीरवर गोरा का धड़ आरी दल काट रहा था, और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रत्न सिंह पर लेकिन रंचक आंच न आने पाई। राणा रतन सिंह सकुशल मेवाड़ पहुंच गए, लेकिन इस कुशलता की कीमत बहुत महंगी थी। गोरा, बादल और हजारों मेवाड़ी शूरवीर इस युद्ध में बलिदान हो गए। गोरा और बादल अपने दो बेटों का शव देखा तो मां भारती भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़ धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतीत्व अभिमानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। गोरा और बादल के इस अप्रतिम शौर्य को प्रणाम करते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि सर अलग हुआ धड़ से, लेकिन वह झुके नहीं मतवाले थे। भारत माँ के शौर्य पुत्र वो महासूर्य उजियाले थे। लड़कर कबंध से बंध छुड़ा राणा की खातिर, रुद्र हुए उनके गौरव में झुक कर के गिरिशृंग हजारों छुद्र हुए। नमन है भारत माँ के उन यशस्वी पुत्रों को जिन्होंने हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया और भारतीय स्वतंत्र चेतना के महासूर्य हो गए। आपने बड़े ध्यान से सुना, बड़े धैर्य से सुना, आपका आभार।